हमारा जो डे है वो तो बेसिकली बहुत ही ज्यादा ना बोरिंग होता है। एक ब्रेक होती है छोटी सी, वो भी पता नहीं चलता, वो भी हम याद कर रहे होते हैं अगले लेक्चर में क्या सुनाना है। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात भाई और मस्तूर मस्तूरात, हम लोग आए थे फजाइया मेडिकल कॉलेज, अगर थोड़ा यो करके प्रोनाउंस करना चाहें तो FMC आए थे, और ये मौजूद है एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, पीछे आपको नजर आ रहा होगा। तो हम यहाँ घूमेंगे, लोगों से बात करके देखेंगे कि यहाँ के स्टूडेंट्स कैसे, मेडिकल कॉलेज लाइफ कैसी होती है, अच्छा क्या सीन होता है, ठीक है, कॉलेज अंदर से भी देखेंगे। समझ गया, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। ये रहा फिजाइया मेडिकल कॉलेज की, एयरफोर्स का ये मेडिकल कॉलेज है, यही बात है। एयरफोर्स का मेडिकल कॉलेज, और एक और बात है कि ये पूरी जो जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना वो पूरी फिजाइये सब एयरफोर्स के अंडर आ जाएगा, और हम लोग को यहाँ से I-13 शिफ्ट कर दिया जाएगा फ्यूचर। अच्छा, इट मीन्स कि ये यूनिवर्सिटी यहाँ से कह रहे खत्म हो जाएगी, H-13 में नया कैंपस बन चुका है, वहाँ पे और अच्छी हमें एजुकेशनल मतलब फैसिलिटीज मुहैया की जाएंगी, एकेडमिक अच्छा मतलब एक। ओके, इट मींस कि मेडिकल कॉलेज वालों मतलब जो यहाँ पे एडमिशन लेंगे उनकी तो गेम ही अलग हो जाएगी। तब तक आपके भी 100 के सब्सक्राइबर हुए हुए होंगे। ओए हाय हाय, अकेले मिल इस बात से यार, माशाल्लाह वहां पे हम वीडियोस बनाएंगे। ये बात यार, ये बात क्या बात है, जो देखने सब्सक्राइब करो और सारी पुरानी वीडियोस भी चेक करना यार। अच्छा भाई, हम सही मेडिकल कॉलेज के इनसाइड आ गए, और जो है ना सही वो वाइब दे रहा है, किस वाली हॉस्पिटल वाली वाइब दे रहा है, स्मेल भी आ रही है हल्की हल्की, चलते हैं वसीम भाई। ये वो होता है मेरे ख्याल से फर्स्ट शू पे कुछ होता है, क्लोरीन या समथिंग, हॉस्पिटल तो केयर तो करनी पड़ती है। देखो अब मेडिकल से हमारा दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं है, हम सारे अब बिलो एवरेज वाले लोग हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग आ चुके हैं फजाइया मेडिकल कॉलेज के टॉप पे, ठीक है, यहाँ से नीचे का बहुत ही खतरनाक किस्म का व्यू है, लेकिन हमारी कोशिश है कि किसी डॉक्टर को स्टूडेंट को ढूंढे, उनसे बात करें, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे, वो दरअसल इस टाइम मेरे ख्याल से क्लासेस चल रही है बिल्कुल, बट हम ढूंढेंगे, डोंट वरी, हम किसी से बात करेंगे, डॉक्टर्स को ढूंढ रहे हम जी। तो फाइनली हमें मेडिकल के स्टूडेंट्स मिल गए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ये हमारे डॉक्टर्स हैं, और फ्यूचर में जब हम बीमार होंगे तो ये भाई इलाज करेंगे, मतलब लोग मरीजों का, अपना नहीं कह रहा। तो भाई अपना नाम तो बताएं। मेरा नाम है मुआज। मेरा नाम है अहमद रजा। अहमद रजा, मेरे दिल का मरीज हूँ, मेरा इलाज है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बिल्कुल, अच्छा नहीं, मजाक से हटके सीरियस, ऑन अ सीरियस नोट हमें ये बताएं कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा था इस कॉलेज का, और अभी कैसा है, कि लाइक यू नो टाइम तो गुजर गया होगा आपका यहाँ पे। फर्स्ट इम्प्रेशन ये था, ऑब्वियसली जो बाकी कॉलेज से कंपेयर किया तो हमें लगा कि जैसा शिफा है इधर इस्लामाबाद में, बिल्कुल, और उसके अलावा फाउंडेशन है रावलपिंडी में, तो हमें लगा कि शायद जो है ना, और आर्मी मेडिकल कॉलेज है तो उनसे शायद इसका लेवल थोड़ा सा कम होगा, वो उससे बेहतर कॉलेजेस हैं। फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि शायद हम इधर आगे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आके चीज़ें एक्सपीरियंस की, अब एक साल पूरा गुजारा, तो उसके बाद पता चला कि नहीं, अगर होता तो थर्ड होता है ना। सही है, सही है। अच्छा मुझे एक चीज बताए ना, कि अब मैं हूँ साइंस और कॉमर्स और इन फील्ड वाला बंदा, तो मेडिकल कॉलेज का बिल्कुल आइडिया ही नहीं कि क्या सीन होता है, कैसी लाइफ होती है, तो हमें बताएं कि आपका टिपिकली डे कैसा होता है। हमारा जो डे है वो तो बेसिकली बहुत ही ज्यादा ना बोरिंग होता है। बोरिंग होता है, सुबह सुबह हमने उठना होता है 7 बजे, और अटेंडेंस पूरी करनी होती है। हाँ। तो बस सुबह सुबह निकल पड़ते हैं, और सारा दिन क्लासेस वगैरह होती हैं। कितने बजे तक होती हैं क्लासेस? 3 बजे तक मुसलसल क्लासेस होती है, लगातार, कोई ब्रेक नहीं होती, कोई एक ब्रेक होती है छोटी सी, वो भी पता नहीं चलता, वो भी हम याद कर रहे होते हैं अगले लेक्चर में क्या सुनाना है। हो, तो सारा दिन बस इन्हीं कामों में गुजर जाता है, वीकेंड मिलता है बस वीकेंड एंजॉय करते हैं। ठीक है, और आप मतलब कि हर बंदे का यही सेम स्केड्यूल होता है बस? हाँ, जो आता है वो अटेंडेंस पूरी करने के लिए, और पढ़ाई मेडिकल कॉलेज में अपनी है, ठीक है, जो पढ़ना है वो खुद पढ़ना है, तो बस जो आता है वो पढ़ाई। तो लोग कहते हैं कि यार मेडिकल कॉलेज में आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, मेरा एक दोस्त है वो कहता है पूरी रात जागना होता है कभी कभार, इतना पढ़ना पड़ता है उनको, तो ये बात सच है। FSC में थे तब जो है ना ऐसे लगता था कि रात जागना, टेस्ट से पहले रात लगाना बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अभी तक जब से मेडिकल कॉलेज में आए, टेस्ट वगैरह और इन सालों के बाद एक आम सी बात बन गई है, कल टेस्ट है, कल सब स्टेज है, वाइवा है, वो है, तो बस नॉर्मल सी बात है कि आज पूरी रात जागना, ठीक है। और एक और बड़ी मजे की बात है, हमें डॉक्टर साहब एक मिले यहाँ पे ना, तो उनसे हमने कहा कि हमने आपके साथ एक वीडियो बनानी है, तो कहते हैं मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरी क्या क्या कहते हैं उसको, कोटेशन वही है। तो ये क्या सीन है कि स्टूडेंट लाइफ में भी प्रैक्टिकली जाना पड़ता है आपको? जी, बेसिकली इंटरेक्शन होता है ना, हिस्ट्री वगैरह सिखाते हैं स्टूडेंट लाइफ में, तो यही आगे प्रोफेशनल फिर इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और यार एक मेडिकल की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है, कि जो आप लोगों ने एक या दो तीन बता दें, जो अच्छी बातें जो बुरी बातें। अच्छी बात ये है कि बंदा बोर नहीं होता, कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है, यू ऑलवेज हैव समथिंग टू डू,
तो बंदा वो नहीं होता, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चलता ही रहता है, ठीक है, बेशक वो एग्जाम्स हैं या वो हैं, तो बंदा जो है ना मतलब माइंड वेंडर ऑफ नहीं करता, कुछ ना कुछ आपके जहन में चल रहा होता है। और यही बुरी बात है कि बस कुछ ना कुछ चल रहा है, आपको जो है ना टाइम नहीं मिलता, ठीक है, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता, आपने पढ़ाई पढ़ाई अटेंडेंस अटेंडेंस मतलब इतने रोले होते हैं कि कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। सही है। और आप अच्छी बात और बुरी बातें, अच्छी बात यह है कि फील्ड काफी इंटरेस्टिंग है, यानी कि ओवर बर्डन फील्ड नहीं है, और नुकसान इसका यही है कि बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, कवर नहीं होता। सही है। अच्छा एक और बात, हमने ये तो पूछा ही नहीं कि आप मेडिकल में भी मुख्तलिफ फील्ड होती है, नीशेज होती है, ये बात है। शुरू के जो 5 साल है वो तो सारों के सेम होते हैं। MBBS है बेसिकली। हाँ MBBS, वो तो सारों जो सा भी डॉक्टर है सारों ने, ठीक है, दिल का हो मतलब कि जो भी हो एक ही होता है। जो इधर से कर रहे हैं वो सारे शुरू में एक ही करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली जो जिसमें स्पेशलाइज करना चाहता है वो अपनी फील्ड। सही है। तो आप लोग किसमें कर रहे हैं, क्या सीन है? हम नहीं फिलहाल तो हम सही अच्छा MBBS इज लाइक ये जनरल फील्ड है, उसके बाद आपकी स्पेशलाइजेशन है। बिल्कुल जनरल फील्ड है, इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट होता है कि आप किसमें जाना चाहते हो। तो आप लोगों ने सोचा किसमें जाएंगे? नहीं अभी तो सेकंड ईयर में, अभी तो ये है कि MBBS हो जाए किसी तरह। और मेडिकल में क्या सोच के एडमिशन लिया था? एक होता है ना बचपन से किसी का ड्रीम होता है, मैं फौजी बनूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो आप लोगों का भी था या गलती से भी कोई आ जाते हैं यहाँ पे? बेसिकली यही होता है कि पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप स्पून फीडिंग करना शुरू कर देते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, बच्चा डॉक्टर बनेगा। तो बस यही शौक माँ बाप ही डेवलप करते हैं, ठीक है, इतना पढ़ने का किसको शौक होता है। बिल्कुल। वैसे आप दिल से आए हो यहाँ पढ़ने के लिए या आके बस, ठीक है, कि पेरेंट्स का नाम रोशन करने के लिए, घर के लिए आगे? नहीं मिक्सर है, दिल मिक्सर से है ऑब्वियसली, उसके अलावा मतलब हमें जो उस वक्त जो वैसे की तो लगा बस ये बेस्ट ऑप्शन है, इसके अलावा बाकी सारे जो है वो उनसे बेहतर है, तो बस ये बेस्ट ऑप्शन था, चूज कर लिया। सही है। वैसे ऑन सीरियस नोट में बताऊँ, मुझे लगता है कि मेडिकल में कोई आम बंदा आ भी नहीं सकता जिसका शौक ना हो, जो पैशनेट ना हो। क्यों नहीं, वो टिक भी नहीं सकता क्योंकि इतनी मुश्किल स्टडी है, तो अब कौन जिसका इंटरेस्ट है वही कर सकता है, ठीक है। और मार्क्स वगैरह ज्यादा चाहिए होते हैं आपको इसमें एडमिशन के लिए या मतलब पैसे के जोर पे भी लोग आ जाते हैं? कॉम्पिटिटिव है, बहुत कॉम्पिटिटिव है। मेरिट जो है, जो गवर्नमेंट कॉलेज उनका मेरिट इस साल 91% पे क्लोज हुआ है। अच्छा, और इसका ये एक प्राइवेट कॉलेज है, तो इसका कितना है? इसका मेरा ख्याल 87-88 था शायद, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं मतलब। आप लगा लें कि पाकिस्तान में कोई 1.5-2 लाख बबच्चा जो MD कैट देता है, सीट सिर्फ 3-4 हजार है, ना करें, और इतनी ज्यादा सैचुरेशन है 1% से कम भी। यार इट मीन्स कि मैं बहुत जीनियस माइंड के साथ खड़ा हूँ, पता है हमारे साथ मेरी फील्ड में यार मोस्टली इंजीनियरिंग और इन चीजों में ना आपकी 45% न्यू यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन दे देती हैं, तो मेडिकल एक ऐसी चीज़ है कि आप बड़े क्रीम होना पड़ता है आपको उसके लिए। और एक और जो लास्ट क्वेश्चन है, आपका मैंने बहुत टाइम ले लिया, ये बताएं कि डॉक्टर्स को लोग ये ताना देते हैं कि घर में भी कोट पहन के घूमते हो, तो आप लोग कॉलेज में भी नहीं पहन के घूम रहे, ये क्या ऐसी बदनाम हुए हैं? बस देखे हमने पहना हुआ नहीं पहना हुआ। बेसिकली ना शुरू में ये क्रेज होता है वाइट कोट का ना, तो मेरे तो वैसे ही अब दिल ही नहीं करता डालने को। और देखना आप वो सामने दोनों बैठे हुए, उन्होंने भी पहने हुए, इधर भी जितने भी खड़े हैं किसी ने भी नहीं पहना, वो तो वैसे ही बदनाम हुए बस बाय किसी। यार बदनाम नहीं हुए, ये आप लोगों की ग्रेस है कि आप डॉक्टर हो, समझो ना बात को। और एक एक चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, वो टाइम ले लिया, बट एक और क्वेश्चन कि आजकल पाकिस्तान में ये चल रहा है कि ब्रेन ड्रेन वाला, ठीक है, कि जो जो एक हाई अचीवर है वो कहता है मैं पाकिस्तान छोड़ के जाऊंगा, यहाँ कुछ नहीं रखा। आप लोगों में भी कोई ऐसे जरासीम पाए जाते हैं? बिल्कुल है, एग्जैक्टली है। देखिए मेरी बात सुने, अपॉर्चुनिटीज की बात है भाई, ज्यादा जिस बंदे को जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ उसको अपना फ्यूचर अच्छा नजर आएगा वो उधर जाएगा। पाकिस्तान में या बाहर है, जिसको पाकिस्तान में अच्छा फ्यूचर नजर आ रहा है वो पाकिस्तान में, जिसको बाहर अच्छा, अगर दोनों जगह पे सेम अपॉर्चुनिटीज मिल रही है फिर ऑब्वियसली पाकिस्तानी। बिल्कुल ये बात है, लेकिन अगर एक जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो ऑब्वियसली विल चूज। और एक और बात है कि ब्रेन ड्रेन भी मेरे ख्याल से कोई उस तरह एक इफेक्ट नहीं करती, वो पॉजिटिव ही है कि बाहर जाके भी तो पैसे तो अपने मुल्क में ही भेजेगा फैमिली को, या इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ भी करेगा। तो यार थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम लिया, 6 मिनट मुझे नजर आ रहा है। नाइस टू मीट यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाएं, शेयर भी कर दें। देखो हमने डॉक्टर्स के कीमती टाइम में से टाइम निकलवा के इन्होंने ये बात बोली है, तो समझ लो बात को, ठीक है। हमारे तीनों हजरात, ये था फजाइया मेडिकल कॉलेज, और इसकी लोकेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो एयर यूनिवर्सिटी के अंदर ही उनका एक डिपार्टमेंट है जिसको फजाइया मेडिकल कॉलेज कहते हैं, FMC। तो अब देखो मसला ये है ना कि डॉक्टर से मेरा आज तक इतना इंटरेक्शन नहीं है, और कोई और लोग भी नहीं थे, सारे क्लासेस में बिजी ये वो, तो दो ही बॉयज़ मिले, उनसे मैंने A to Z सारी डिटेल ले ली। तो जिसने यहाँ आना है आपको आइडिया हो गया होगा कि लाइफ कैसी है। ऑब्वियसली और भी लोगों से मिलना चाहते थे हम, बट स्टिल ये है कि रेंडमली जाके पूछना बड़ा मुश्किल लगता है, तो हम किसी और से नहीं मिले, ठीक है। तो बट स्टिल ये अपने स्टूडेंट से इंटरेक्शन के बाद देख लिया होगा कि फजाइया मेडिकल कॉलेज कैसा है। और अगर आपने ऐसी और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट की हम वीडियो बनाऊं मैं इस तरह कोई सीन, तो मुझे मैसेज कर लेना इंस्टाग्राम पे, नीचे लिंक दिया होगा, तो डील कर लेते हैं, आएंगे, मतलब डील नहीं कर लेते, पैसे नहीं ले रहा, मजाक कर रहा हूं, मतलब कि स्पॉन्सर नहीं, मतलब कि बस मुझे मैसेज कर लेना, मुझे इंटर करवा देना, आपके साथ मिलकर हम घूम के वीडियो बना लेंगे,
और आपका इंस्टीट्यूट भी प्रमोट हो जाएगा, आप भी हो जाओगे, सारा कुछ ठीक है। तो इजी सीन है। और सावेद कुछ कहना चाहते हो? नहीं, चैनल को सब्सक्राइब, ये बात मैं चाहता था बोले, यू करके बोलिए ग्लासेस भाई को, देर देर दुआएं दें और हमें भी दुआओं में याद रखें, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और इन दोनों बॉयज का भी बिग शाउट आउट इनको, क्योंकि इन्हीं ने मुझे यहाँ बुलाया था। और इनका लिंक भी इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में होगा, दे दें आपका भी। नहीं नहीं बस हम क्या, ओह माय गॉड क्या बात है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।